देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अहमदाबाद के धोलका स्थित संस्कार संकुल के ट्रस्टी स्वर्गीय रमेश भाई विष्णु प्रसाद त्रिवेदी की पुण्यकार्य और उनके मृतात्मा के परिजनों के उद्धार के लिए संस्कार संकुल के ट्रस्टी हीरेन भाई त्रिवेदी और भारतीबेन त्रिवेदी ने भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। त्रिवेदी परिवार एवं स्वजनों के संयुक्त सहयोग से शास्त्रों के ज्ञाता पवन नागरी विद्वान एवं मधुर संगीत एवं पहाड़ी पदच्छद आवाज की मधुर वाणी का सुंदर आयोजन विद्वान वेदा आचार्य वक्ता डॉक्टर विष्णु प्रसाद त्रिवेदी ने किया। आप परिचित संबंधों से परिचित हो जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार वसुधा इवा और कुटुंबकम त्रिवेणी संगम शब्द वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, इव का अर्थ है जुड़ना, कुटुंबकम का अर्थ है परिवार का संबंध। त्रिवेदी परिवार ने प्रेम और आत्मीयता की भावना का सेतु बनाया है। भावनात्मक रूप से सभी में वैचारिक शक्ति एक बिंदु से कर्मों के प्रभाव तक विस्तृत होने की बात कही है। हमारे विचारों ने लोगों के मन में अनादिकाल से ऋषि मुनियों के शोधन की प्रेरणा दी है। इस भागीरथ कार्य के प्रयास और यात्रा के दौरान मेरे कैमरे की निगाहें मुझे शब्दों की तरह देखती थी। फूल नहीं, फूल की पंख का दिल से आत्म गौरव की अनुभूति कर रहा है। परिवार के सदस्य एक है, जैसे सूर्य और चंद्रमा किसी भी कोण से एक जैसे दिखते हैं। त्रिवेदी परिवार की दृष्टि से परिवार के सदस्यों के सुख दुख में सहभागी बनकर अरस पारस को बांटकर पुनीत व प्रशंसनीय कार्य किया है। भगवत आचार्य डॉक्टर विष्णु प्रसाद त्रिवेदी शास्त्री भगवत कथा की मधुर वाणी से पुनर्व्याख्या की गई है और मधुर संगीत आनंद के भक्तिमय माहौल का एहसास कराता है। देखिए जगत न्यूज 24 से भास्कर शुक्ल की रिपोर्ट। ज्ञापन तुम्हारे जवुं जोईए राजसु यज्ञ माटे दिग्विजय करता जरासंध नो पराजय करवानो जरे तसे तो मने त्यां एक ठीक लागे छे तेथी तेणे एंड करेला जे राजाओ जे छे એનું રક્ષણ આપોઆપ થઈ જશે। પાંડવોના યજ્ઞમાં જો તમે જશો તો જરાસંધની પાસે પણ તમારે જવાનું થશે અને જરાસંધ પર વિજય મેળવશો તો આપોઆપ 20,000 રાજાઓ જે છે એ પણ છૂટી જવાના છે। એના માટે શું કરવું તો તમારે જરાસંધની સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવું પડશે। તમારી સાથે યુદ્ધ નહીં કરે, અર્જુન સાથે યુદ્ધ નહીં કરે, ભીમસેન સાથે યુદ્ધ કરશે અને તમે યોજનાપૂર્વક તમે એનો નાશ કરજો। ઉદ્ધવજી આવી યુક્તિપૂર્વકની વાણી દેવર્ષિ નારદ અને બધા જ યાદવોને ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે। ભગવાન કૃષ્ણે વાત સ્વીકારે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરના રાજસી યજ્ઞમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ આવે છે। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदानां नबिन प्रभो सर्वेषामपि भूतानां इप्सितः कुरुताड्यमम्। राजसी यज्ञनी तैयारी थई रही छे। इंद्रप्रस्थ नगरीमां युधिष्ठिरे चारे भाईओने चारे दिशाओमां दिग्विजय माटे मोकल्या छे। तेमणे दिशाओने जीती पुष्कळ धन लावी राजा युधिष्ठिरने सोंप्युं। બધા જીતાઈ ગયા છે, જરાસંધ બાકી છે। જરાસંધ હજુ જીતાયો નહોતો એટલે યુધિષ્ઠિરને ચિંતા હતી, એનું હવે શું કરવું। એટલે શ્રી કૃષ્ણે તેમને ઉદ્ધવે જે ઉપાય બતાવ્યો હતો એ ઉપાય યુધિષ્ઠિરને કહ્યો। આ રીતે શ્રી કૃષ્ણ, ભીમસેન અને અર્જુન આ ત્રણેય બ્રાહ્મણના વેશમાં જરાસંધની પાસે ગયા। અને આ જરાસંધની એક વિશેષતા હતી, દરરોજ સવારે બ્રાહ્મણોની પૂજા કરે અને યાચક બનીને આવેલા બ્રાહ્મણો જે માગે તે આ જરાસંધ આપતો। જરાસંધની આ ક્રિયાને એની તરત હાથમાં લઈને ભગવાને આ ત્રણેયનું ब्राह्मण नु स्वरूप लईने त्यां गया।